पोयम में आपको 2 मार्क के लिए सरलर डालने वाले हैं, और जिसमें वो लोग आपको बोलेंगे अंतिम की 4 पंक्तियाँ या प्रारंभ की 4 पंक्तियों को क्या करना है, आपको संक्षेप में वर्णन करना है, उसका सरल अर्थ लिखना है। आपको एक बात बता दूं, 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स आपके कंफर्म है। किस तरीके से कंफर्म हो जाएंगे? जब आप क्या लिखोगे? प्रस्तावना लिखोगे। ये प्रस्तावना लिखनी कैसी है आपको, ये बात ध्यान रखना है। भारत महिमा अगर पोएम आएगी तो आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियाँ भारत महिमा से ली गई है। इस कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है कि अपना देश का अतीत कैसा था, किस तरीके से हम लोग गुलाम थे, किस तरीके से राजाओं ने आकर हमको लूटा है दूसरे दूसरे वतन और मुल्क के, उसके बारे में इस पोयम के अंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। भारत में ये ऐसा लिख दिया आपने, 1 मार्क्स तो आपका कन्फर्म है, कोई लेके जा ही नहीं सकता है। और राइट, फिर 1 मार्क्स के लिए आपको लास्ट की 4 लाइन को क्या करने का है, एक्सप्लेन करने का है। समझ में आया? गिरधर नागर सेकंड पोयम। प्रस्तुत पंक्तियां गिरधर नागर कविता से ली गई है। इस कविता के कवित्री संत कौन है? मीराबाई है। समझ में आ गया? आगे लिखा गया, मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। मीराबाई ने क्या किया है? बहुत आराध्य किया है। आराध्य मतलब उन्होंने बे इंतहा आग बंद वाला भरोसा किया है। किसके ऊपर? कृष्णा के ऊपर। तो उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। गजल प्रस्तुत पंक्तियां गजल से ली गई है। इस कविता के कवि मानिक वर्मा है। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता गजल के अंदर लेखक ने क्या किया है? इंस्पायर किया है। कवि ने क्या किया है? इंस्पायर कि आप किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में अनगिनत बाधाएं आएगी, मुसीबतें आएगी, आपको हर तकलीफ का सामना कर कर आगे बढ़ना। 1 मार्क्स प्रस्तावना का मिलेगा, 1 मार्क्स जो मैंने आपको बोल दिया उस चीज को भी लिख दोगे आप, बाधाएं परेशानियां, तो भी आपको 1 मार्क्स। 1 मार्क्स कितना मिल जाएगा? 2 मार्क्स। स्कीम से ज्यादा दे रहा हूँ यार मैं तो, 1 बोल के 2 दे रहा हूँ। ओ माय गॉश। कृषक गान। कृषक गान मतलब किसके लिए लिखी गई है पोयम? फार्मर्स के लिए, किसान के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कृषक गान से ली गई है। इस कविता के कवि दिनेश भारद्वाज है। जी है, क्या लिखोगे आप? जी है। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? किसानों के ऊपर आधारित है। ऑलराइट, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है बरसाही जलद। बरसाही जलद में प्रस्तुत पंक्तियाँ बरसाही जलद से ली गई है। यस और नो? इसके कविता के कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के कृषिकंदा कांड से लिया गया है। ओके, यह पद्यांश चौपाई एवं दोह छंद में है। ये क्लियर हो गया आपको बरसाही जलद किसके बारे में बताया गया है? ओके, व्हाट वाज दिस वर्ड रुबिया? द वर्ड इज सो मच डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड इट आउट। किशिकदा 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 कांड, व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? आई एम अवेयर ऑफ दिस पोएम। ऑलराइट, छापा। प्रस्तुत पंक्तियां छापा से ली गई है। इस कविता के कवि कौन है? ओम प्रकाश आदित्य जी है। कौन है इसके कवि? प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने क्या किया है? आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। ऑलराइट, तो किस तरीके से इनकम टैक्स वाले आके क्या करते हैं? छापा मारते हैं। आयकर मतलब इनकम टैक्स वाले। और एक आर्थिक स्थिति किस तरीके से हो जाती है एक टैक्स भरने वाले की, मतलब एक आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हो जाती है, उसके बारे में छापा पोयम में बताया गया। हम उस धरती के संतित हैं। हम उस धरती के प्रस्तुत पंक्तियां हम उस धरती के संतित हैं से ली गई। इस कविता के कवि कौन है? उमाकांत मालवीय जी है। उमाकांत मालवीय जी है।
प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया। इस कव्वाली में क्या किया गया है, स्त्री और पुरुष के बारे में, शूरवीर, शूरवीर मतलब क्या, जो डरते नहीं हो, शेर का जैसा जिगरा रखते हो, उनके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन सी कव्वाली में, हम इस धरती के संतित है, कविता का नाम, कवि का नाम क्या है, उमाकांत मालवीय। ओके, ये पूरक पठन से लिया गया है। यस, नेक्स्ट, अपनी गन नहीं बेचूंगा पोयम, प्रस्तुत पंक्तियां अपनी गन नहीं बेचूंगा से ली गई है। इस कविता के कवि बाल कवि बैरागी जी है। प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूलों के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। यस और नो, प्रस्तुत कविता में लेखक ने क्या बताया है और पोएम में क्या बताया है पोएट ने, कि फूल कभी भी अपनी गंध बेचता नहीं है। यस और नो, समता की ओर, मेटाफोर है ये, अपनी गंध नहीं बेचेगा क्या है, मेटाफोर कि वो इनडायरेक्टली कुछ और बताना चाहते हैं, समता की ओर। प्रस्तुत पंक्तियां समता की और ये लास्ट पोयम है से ली गई है। इस कविता के कवि मुकुटधार पांडे जी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनदाय का सजीव वर्णन किया। ठंडी में बहुत तकलीफ होती है, देखो गर्मी इंसान निकाल लेता है, बारिश भी एक बार निकाल लेता है, बस ठंडी में बहुत तकलीफ होती है। अगर तुम लोग भी आगे जाके बड़े इंसान बनते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि तुम लोग हर इंसान को क्या करो, उसके दुख दर्द को समझो और तकलीफ को समझो। ये सुनो, इसमें दुख दर्द किसके बारे में समझा गया है, जो जानवर जो ठंडी में जूझते हैं उसके बारे में, ये सुनो, और इंसान लोग भी। यस, आई होप दिस वॉज वेरी मच क्लियर टू यू, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, दैट्स ऑल फॉर ऑल द रिविजन्स। आई होप योर एग्जाम शुड गो रियली वेल, पेपर अच्छे से लिखना, ऊपर वाले का नाम लेना, माँ बाप का नाम लेना, पेपर लिखने चालू करना, बेस्ट पेपर आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, इजी आएगा, जस्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर हार्ड वर्क यू हैव डन वो तीन घंटे में आपको पूरा दिखाना है, कुछ भी छोड़ना मत, मौका देना मत सामने वाला आपका मार्क्स काटे, और अपना बेस्ट देने की सोच, समझ में आ गया। दैट्स इट, आई वांट टू टेल यू ऑल द वेरी बेस्ट, कम ऑन, यू आर माय बेस्ट चैंपियंस, ओके, नीड टू प्रूव योर बेस्ट टुमारो, ऑलराइट, फिर कल का प्लानर क्या है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके, बाय बाय, सी यू।